बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू parkdeal.com.pk। व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असलान है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर मोस्ट वेटेड सेडान कैटेगरी जो कार है वो टोयोटा यारिस है। अगर टोयोटा यारिस ATIV XCVT 1.5 लीटर की बात की जाए तो इसकी जो पिक्चर्स हैं वो लीक हो गई हैं। 27 मार्च को लाहौर में ही गाड़ी का जो है ऑफिशियल लॉन्चिंग सेरेमनी होगी और ये जो है इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी फुल कन्फर्म्ड है। लॉन्चिंग सेरेमनी की जो वेन्यू है वो इंशाल्लाह जैसे ही मिलेगा आपको पोस्ट के अंदर अपडेट मिल जाएगी। टोयोटा यारिस के अंदर 1.3 लीटर एंड 1.5 लीटर दोनों ही इंजन मुतारिफ होंगे, जिसके अंदर मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन होगा। जहां तक टोयोटा यारिस का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसी के अंदर बात की जाए मैनुअल और या ऑटोमेटिक, उसके अंदर जो क्लाइमेट कंट्रोल होगा और उसी के साथ जो है अलॉय व्हील्स होंगे, साथ ही साथ SRS फ्रंट एयर बैग्स होंगे। जबकि व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं होगा बट ABS जरूर होगा। और मैंने एक ही चीज जो है इसके अंदर जज की है, जो कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट होगा 1.5 के अंदर, उसके अंदर आपको जो है क्रोम का भी ऑप्शन मिलेगा, साथ ही साथ जो है LCD टाइप जो है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। जहां तक अगर इसके बेस यूनिट की बात की जाए तो उसके अंदर आपको क्रोमिंग का ज्यादा इफेक्ट जो है वो गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको MP3 यूनिट भी होगा। जहां तक अलॉय रिम है, अलॉय रिम भी पहले वाले मॉडल से थोड़े से चेंजिंग की गई है। जहां तक टायर की बात है तो इसके अंदर 185 का जो है आपको टायर साइज मिलेगा, उसी के साथ जो है वो लेटेस्ट डिजाइन के अंदर जो है टोयोटा के अंदर आपको अलॉय व्हील मुतारिफ कराए हैं। जहां तक टोयोटा यारिस का जो 1.5 ATIV X का यूनिट का ताल्लुक है तो इसके अंदर आप लोग देख सकते आपको फ्रंट पे जो है वो इसका हेलोजिन हेडलैम्प मिलता है, उसी के साथ जो है आपको साथ ही साथ जो है इसका DRL भी आपको मिलते हैं, जो कि जरा स्पोर्टी लुक के साथ मिलते हैं, और उसी के साथ आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं। जहां तक साइड लुक का ताल्लुक है तो साइड लुक में आपको क्रोम हैंडल्स मिलते हैं, उसी के साथ जो है वो ओल्ड मॉडल की तरह इसके जो है साइड मिरर्स मिलते हैं, फेंडर्स में आपको साइड टर्निंग बल्ब भी मिलते हैं। जहां तक इंटीरियर का ताल्लुक है तो इंटीरियर के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि हर वेरियंट के अंदर स्टैंडर्ड है, इसके अंदर एयर बैग लाजमी है। मीटर क्लस्टर का ताल्लुक जो है वो इसके करंट मॉडल टोयोटा करोला के साथ जो है मीटर क्लस्टर मिलता है, बट 220 का स्पीडोमीटर मिलता है, उसी के फ्यूल गेज आपको मिलता है, RPM मीटर मिलता है, इको मिलता है। साइड डोर्स का ताल्लुक है तो साइड डोर्स आप देख सकते हैं आपको 4 दरवाजे पावर मिलते हैं, सेंट्रल लॉकिंग के साथ मिलते हैं, साइड मिरर कंट्रोलर मिलता है, डोर्स में जो है आपको स्पीकर्स मिलते हैं, बट डोर्स में आपको कोई क्रोम का इफेक्ट नहीं मिलता। इसी तरह अगर हम इस वक्त जो अगर आप देख रहे हैं इस जो स्क्रीन पर जो गाड़ी की जो पिक्चर आपको नजर आ रही है वो जहां तक मेरा ख्याल है इसके अंदर जो है ATIV 1.5 तो नहीं मगर बेस वेरियंट जरूर है, क्योंकि इसके अंदर MP3 यूनिट दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल एनालॉग दिया गया है, जो चारों AC के वेंट्स पर क्रोमिंग का ज्यादा इफेक्ट नहीं दिया गया, बट MP3 यूनिट के साइडिंग पर जो है वो आप लोग देख सकते हैं आपको क्रोम का इफेक्ट या मिला है। अलॉय रिम्स की बात है तो अलॉय रिम भी आप देख सकते हैं आपको जो है 185 का जो है इसके अंदर टायर मिलता है, और अलॉय रिम आपको पहले मॉडल से चेंज मिलते हैं, और ये मेरा ख्याल है ATIV 1.5 X है, जिसके अंदर आपको रियर में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। इसी तरह अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट 1.5 ATIV X की बात की जाए जो CVT के साथ आती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको टच स्क्रीन के साथ मिलता है, जिसके अंदर आपके तमाम फीचर्स भी होंगे, साथ ही साथ क्रोमिंग का इफेक्ट इंटीरियर में मिलता है। एयरबैग जो है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए नीचे जहां तक आप देख सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी आपको डिजिटल मिलता है। जहां तक इसके अंदर इंजन का ताल्लुक है तो 1.5 लीटर के साथ जो है ATIV X का होगा या दूसरा 1.3 होगा, क्योंकि अभी बस याद रखेंगे जो जितनी भी वहाँ पिक्चर्स हैं ये अभी ऑफिशियली लीक्स मिली हैं। जहां तक 27 को इंशाल्लाह लॉन्चिंग सेरेमनी होगी जो कि लाहौर में होगी। जहां तक गाड़ी का रियर साइड का ताल्लुक है तो रियर साइड में आप देख सकते हैं इस जो गाड़ी आपको नजर आ रही है टोयोटा यारिस 1.5 CVTi के साथ होगी, ATIV X का मोनोग्राम लगा होगा, तो रियर साइड में आप देख सकते हैं जो है साइड पर जो है बिग टेल लैंप्स दिए गए हैं, सेंटर में लोगो दिए गए, क्रोम की पट्टियां दी गई हैं, रियर फॉग लैंप्स दिए गए हैं। जहां तक गाड़ी के रियर साइड का ताल्लुक है तो रियर साइड की साइड लुक में आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो टेल लैंप्स हैं वो काफी ज्यादा हिस्सा जो है अपना बॉडी के रियर पिलर और फेंडर्स जिसको कहते हैं वहां तक कवर करती है। एज पर गाड़ी की शेप्स और फीचर्स की बात की है तो गाड़ी बड़ी जबरदस्त बनाई गई है। 27 मार्च तक हम वेट करते हैं, बाकी इंशाल्लाह जैसी कोई इसकी नई अपडेट्स आएंगी आपको हम उस तक जो है लाजमी अपडेट रखेंगे। जहां तक प्राइसिस का ताल्लुक तो 24.5 लाख से लेके हेडलेस जो है 29-30 लाख तक जाएंगी, बट जहां तक मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि 26 लाख से लेके 32 लाख तक जाएंगी। बाकी ये देखें आते हैं इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि रेट यही कंट्रोल रहे, यही से भी मजीद कम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये थी टोयोटा यारिस ATIV X CVT 1.5 लीटर 2020 की लीक। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पार्क डील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।